हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। और दोस्तों, जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है जो रेडमी ने आज K20 और K20 Pro इंडिया में लॉन्च किया, उसी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो तो आई बटन और लिंक में इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है, आप वहाँ जाकर इसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये मार्केट में क्या असर डालने वाला है। तो दोस्तों, अगर मार्केट में आप अगर देखो तो इस टाइप की स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन दूर दूर तक अभी तक मार्केट में नहीं है। अगर आप देखो कि K20 Pro, तो दोस्तों K20 Pro में 855 का प्रोसेसर मिलता है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। तो दोस्तों, जिसमें कि मतलब कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जिस टाइप की स्पेसिफिकेशन है उस टाइप की स्पेसिफिकेशन मतलब कि इस प्राइस में दे पाना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, अगर आप इसके लिए चैलेंज देखना चाहते हो तो दोस्तों चैलेंज काफ़ी दूर चला गया है इसका। अगर आप इसका सबसे बड़ा चैलेंज देखो तो वो OnePlus 7 दे सकता था और OnePlus 7 Pro दे सकता था। दोस्तों, जो OnePlus 7 Pro है वो काफ़ी बड़ा हाई मतलब कि इसके मुकाबले हाई काफ़ी बड़ा ज़्यादा रेट है उसका। तो दोस्तों, अगर इसकी जो पोको सीरीज़ है उसके लिए भी इसने कंपटीशन क्रिएट कर दिया। अगर दोस्तों अपनी सीरीज़ के लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहा है, जैसे कि आप सब जानते हो कि हर बार शाओमी ऐसी गलती या फिर इस टाइप की चीज़ें करता रहता है, तो दोस्तों अगर आप इसे गलती कह रहे हो तो गलती तब कही जा सकती है इसकी जब वो मतलब कि इतने क्वांटिटी में डिवाइस लाए। क्योंकि दोस्तों, जो शाओमी है वो इतनी क्वांटिटी में कभी भी डिवाइस नहीं लाता, मतलब कि वो क्वांटिटी काफ़ी कम लाता है। भले ही वो इंडिया मार्केट में जैसे मतलब कि इतने ज़्यादा कस्टमर्स है इंडियन मार्केट में, फिर भी इतने कम स्मार्टफोन लाता है। क्योंकि दोस्तों, जो कॉम्पिटिशन है वो पोको के स्मार्टफोन को लॉन्च करके भी मतलब कि वो पोको के जो स्मार्टफोन है उसको लॉन्च कर देगा और जो K20 Pro है उसको लॉन्च कर देगा। दोस्तों, आपस में लोग मतलब कि इसके डिवाइस खरीद लेंगे, कोई लोग पोको खरीद लेंगे और कोई लोग K20 Pro खरीदेंगे। दोस्तों, अब सबसे बड़ी चैलेंज K20 Pro ने अपने ही पोको के लिए खड़ी कर दी है। तो दोस्तों, अगर पोको में मतलब की चीज़ें अच्छी नहीं आ पाई तो पोको मतलब की फेलियर भी बन सकता है। दोस्तों, बेसिकली अगर पोको की बात करें तो पोको में आपको अगर मेरे ओपिनियन में तो 5G देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 5G अभी तक मार्केट में नहीं आया है इंडियन मार्केट में। अगर आप बात करें तो अभी अगर इंडियन मार्केट में 5G आ जाए और पोको अपना स्मार्टफोन लाए तो काफ़ी बड़ा चैलेंज और जो काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है K20 Pro, तो दोस्तों उससे काफ़ी रिलीफ मिल सकता है अपने स्मार्टफोन जो इनका पोको है उसी को। तो दोस्तों, अगर आप बात करें तो प्राइस की, तो प्राइस भी थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि जो K20 Pro है वो काफ़ी डेंजर स्मार्टफोन है मार्केट में। क्योंकि दोस्तों, इस टाइप के स्मार्टफोन इस प्राइस पे आ पाना सिर्फ और सिर्फ शाओमी कर सकती है, और इससे पहले भी उन्होंने पोको के साथ कर चुकी है ये बात। लेकिन दोस्तों, जो पोको में था उसमें डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं था, इतना खूब डिज़ाइन नहीं था, लेकिन इसमें जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा है। तो डिज़ाइन वाइज भी इस बार इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अगर बैटरी वाइज भी देखें तो बैटरी 4000 mAh है। तो दोस्तों, अगर 4000 mAh बैटरी आपको मिलती है तो थोड़ी सी मतलब कि 6 इंच से अप है जो स्क्रीन, उसको 4000 mAh बैटरी देना थोड़ी सी मतलब कि कम लग रही है मुझे। अगर 5000 mAh दे देती तो काफ़ी अच्छा होता। तो दोस्तों, ट्रिपल कैमरा आपको मिलते हैं जिसमें कि आपको डेप्थ सेंसिंग और जो ऑप्टिकल जूम है उसके लिए आपको कैमरा मिलते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी इनोवेशन के साथ और काफ़ी बड़ी चीज़ कर चुकी है इसमें शाओमी। क्योंकि दोस्तों, जो शाओमी जैसी चीज़ें करती है उस टाइप की चीज़ें कर पाना मार्केट में मुश्किल इसलिए ही बनता है कि कंपनीज बाकी टिक नहीं पाती शाओमी के आगे। दोस्तों, जो बजट रेंज सीरीज़ में आप बात कर रहे हो तो वहाँ पर कंपटीशन था, इसलिए ये मिड रेंज और फ्लैगशिप किलर की ओर बढ़ चुकी है। दोस्तों, जो फ्लैगशिप किलर में आप जानते हो कि जो OnePlus है वो काफ़ी बड़ी चैलेंज देता था इसे, तो उससे तो मतलब कि काफ़ी कम प्राइस पे लाया स्मार्टफोन। तो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी बात हो सकती है एक स्मार्टफोन कंपनी के लिए कि उसने अपने जो कॉम्पिटिशन है उसको हरा चुकी है। अगर दोस्तों आप बात करें जैसे कि मिड रेंज की, तो मिड रेंज में थोड़ी सी मतलब कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। भले ही जो स्मार्टफोन है काफ़ी अच्छा है, जो कि 730 की जो प्रोसेसर दे रहा है K20, तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग स्मार्टफोन बहुत जाते हैं। अब देखना ये है कि मार्केट में अगर
क्वांटिटी स्मार्टफोन लाए तो काफ़ी अच्छी रहेगी, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी लाएगी तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों मेरे ओपिनियन में इस टाइप के स्मार्टफोन अगर इंडियन मार्केट में आते रहे या फिर कभी भी आते रहे तो काफ़ी बड़ा कंपटीशन क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, आपको इस स्मार्टफोन की और ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप कोई स्मार्टफोन नया देखना चाह रहे हो तो जो 15,000 से लेकर 30,000 की प्राइस रेंज तक इस टाइप के स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब कि देखने में, और स्पेसिफिकेशन वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों इस अपने प्लान इतने, आप देखते रहे मेरे चैनल बी टेक, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो सर लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत।